हर हर गंगे गंगोत्री मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर माँ गंगा इस स्थान पर अवतरित हुई थी। यह चारधाम यात्रा का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह मंदिर 3100 मीटर यानी 10,200 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालय रेंज पर स्थित है। यह स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगोत्री मंदिर भारत का सबसे प्रमुख मंदिर है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण गंगोत्री के दर्शन करेंगे, वे जानेंगे संपूर्ण कथा। दोस्तों, अगर स्पिरिचुअल हिमालय पे आप नए आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव, जय गंगे मैया। कृपा सिंधो भवानी भवनाशिनी सागरा स्वर्गदाश्चैव सर्वसंसार गामिनी। ये माँ भगवती भागीरथी गंगा जो सर्व संसार को गमन करने वाली है, यहीं पे राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी को लाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी स्थान पे राजा भगीरथ को माँ गंगा ने ज्ञान रूप में दर्शन दिया और उन्हें रास्ता बताया कि पहले आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, शंकर भगवान को प्रसन्न करो, फिर मैं इस धराधाम पे अवतरित हो सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं और गंगोत्री पहुंचने के बाद तो अभी हम पहुंच चुके हैं, देखिए मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए। और देखिए माता का, गंगोत्री माता का मेन द्वार जो है, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, मैं आ चुका हूँ गंगा घाट पर गंगोत्री के। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल में। और मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ गंगोत्री धाम। दोस्तों, गंगोत्री धाम पहुँचने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, जो कि ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको touristcare.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वे आप गंगोत्री पहुंच करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, गंगोत्री में ठहरने के लिए होटल, गेस्ट हाउस व आश्रम धर्मशालाएं भी अवेलेबल हैं। वे खाने पीने की उचित व्यवस्था है, तो रेस्टोरेंट, भोजनालय व कभी कभी भंडारों का भी आयोजन मिल जाता है। रूम का शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि गंगोत्री धाम में कितनी भीड़ भाड़ है। 500 से लेकर 3000 तक रूम शुल्क आपसे लिए जा सकते हैं। गंगेश्वराय नमः। दोस्तों, गंगोत्री धाम एक ऐसा पवित्र धाम है जहां आप गंगा किनारे बैठकर अगर जो तपस्या या पूजा अपनी करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इसी प्रकार यहां पर जो है दोस्तों, जो भी यात्री लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी पूजा अर्चना इस प्रकार करते हैं। माँ गंगा मैया के किनारे आप देखिए, तो दोस्तों अभी आ चुके हैं भगीरथ शिला पर और अब यहाँ भगीरथ महाराज की जो है पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये दोस्तों भगीरथ शिला है। हम जा रहे हैं सूरज कुंड और गौरी कुंड और उसके बाद जाएंगे पांडव गुफा। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूँ आयरन ब्रिज पर और आयरन ब्रिज के नीचे आप देखेंगे तो गंगा मैया देखिए धूप में बहती हुई, और इधर की साइड सूरज कुंड है और इधर साइड में गौरी कुंड है। तो आइए सबसे पहले जो है माँ गौरी के दर्शन करते हैं और गौरी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं। देखिए प्रसन्न होते हुए हमारे लक्ष्मणा जी, देखिए कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। देखिए आप
चलिए दोस्तों, गौरी कुंड इधर चलिए। विद्या अनुवर्ती संघ, माता ब्रह्मांडी तीर्थ, चारों ओर गंगोत्री धाम में अनेकों आश्रम आपको दिखाई पड़ेंगे और सिद्ध स्थल हैं सारे। देखिए मिट्टी के ये आश्रम बना हुआ है दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड, शिवलिंग के दर्शन आइए करते हैं। बिल्कुल गौरी कुंड के बराबर में गंगा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी तक के छोड़ करके मेरा रेट ज़्यादा है, धरती ध्यान नहीं कर पाती, इसलिए शिव जी के प्रति तपस्या कर रहे। तो भगवान जी जिन शिव जी के प्रति तपस्या किया, भगवान आशुतोष है, प्रसन्न हो गए बोले कि हमने गंगा जी को धारण करके उसमें से एक धारा को यहाँ उतारा, इसी स्थान में उठा रहा, इसलिए इसको गंगा उत्तरी गंगोत्तरी नाम करा। यहाँ पहले गौरी जी को स्नान कराया, इसलिए इसको गौरी कुंड बोलते हैं। यहाँ जो शिला है ना, हाँ, इसको गंगा गौरी शिला भी बोलते हैं। शिला कहाँ है महाराज? शिला जो भी है आगे जाएंगे इधर नहीं, यहाँ तो शिला पर ही आश्रम बना है। अच्छा जी, दिखता है शिला, बड़ा शिला, सब गौरी शिला ही। अच्छा, गौरी शिलाएँ सारी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। बहुत सुंदर दोस्तों, ये देखिए गौरी माता का बहुत ही भव्य यहाँ मंदिर बना हुआ है और ये आश्रम है। और इधर जाकर के जो है नीचे गौरी कुंड दिखाई पड़ता है। शिला जो है गौरी शिला है, यहाँ माता ने स्नान किया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए इसको कहते हैं दोस्तों गौरी कुंड, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, थोड़ा सा गौरी कुंड से ऊपर आने के बाद सूरज कुंड आ जाता है, आप देख सकते हैं। और ये GMVN का टूरिस्ट गेस्ट हाउस है गंगोत्री में। माँ गंगा मैया का जो मेन मंदिर है वो आज है आधा किलोमीटर, भगीरथ शिला भी आधा किलोमीटर है, जहाँ ऑलरेडी हम जा चुके हैं। और सूरज कुंड देखिए बिल्कुल पास में है, गौरी कुंड इधर है। और पटांगणा यानी कि पांडु गुफा जो है इधर की साइड है। पहले सूरज कुंड जाएंगे, उसके बाद हम लोग पांडु गुफा जाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं सूरज कुंड की तरफ दोस्तों। ये है सूर्य कुंड और बताया जाता है इसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों सूरज कुंड के सामने ही महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, आप देख सकते हैं। और उनके दर्शन भी हम लोग कर रहे हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी गौरी गुफा और गणेश गुफा के लिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों अब दर्शन करते हैं अंदर गुफा के। बिल्कुल है अंदर अंधेरा। जय हो महाराज जी। ये है आप लोग? मैं मैसूर से। मैसूर कर्नाटक से। आप? मैं दिल्ली से महाराज। जय हो हे मातेश्वरी। गौरी शिला यह एक सिद्ध पीठ स्थान है। तो दोस्तों यहाँ तक आना होता है पैदल। भैया साइड आना इधर। ओम हरिओम महादेव। तो दोस्तों देखिए कितना हम अंदर आ चुके हैं। हाँ जी है। अच्छा, माँ कोशिका। अच्छा, जय हो शुंभ निशंभ का वध करने वाली देखिए माता यहाँ से प्रकट हुई थी दोस्तों। महाराज जी की बहुत बहुत कृपा। और ये देखो
हाँ नीचे आ रही है सूंड की आकृति। हाँ महाराज बिल्कुल शिवलिंग है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ बना हुआ देखिए शिवलिंग, और बहुत ही अद्भुत ये स्थान माता का और भगवान भोलेनाथ का। दोस्तों मैं और लक्ष्मणा जी जो है अभी हम जा रहे पांडव गुफाएं, और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए देखो यहाँ हम पहुँच चुके हैं पांडव गुफाएं। यहाँ से आपको मिलेंगे दो रास्ते, देखिए एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे।